सुजीता चौधरी जी, सुजीता राजपूत जी की माता जी हमारे साथ है। हिंदू अखिल भारत हिंदू महासभा की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। जिला अध्यक्ष आरती अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी माता जी से जानूंगा, उतनी वाक्य था क्या, पूरा वाक्य था क्या, क्या इतनी परेशानी क्यों बढ़ी जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा उस दिन हुआ क्या था जी। 17 तारीख की शाम को मेरी बेटी 4 से 5 ट्यूशन पढ़ने जाती है जी। जब वो घर पर आई तो बहुत घबराई हुई थी। मैंने गेट खोला, मैं बोली बेटे क्या बात हो गई, तो बोली मम्मी ऐसे ऐसे लड़कों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की और मुझे मोबाइल भी दिया और वैसे बोल रहे थे कि तू घर, मैंने कहा कि मैं मोबाइल नहीं ले रही कि तू घर तक नहीं जा पाएगी और यदि मोबाइल नहीं लेगी तो और तुझे हम रास्ते में से ही गायब कर देंगे। उसके बाद मैं नाम आपको पहले दे रहे थे जी, नाम पूछा, वो बोली मम्मी रोहित सैनी को तो मैंने पहचान लिया, पिछले लड़के को मैं ठीक से जान नहीं पाई कौन था। तो रोहित सैनी का घर ठीक हमारे पीछे है, मैं वहाँ गई, मैंने अपनी बिटिया को ढांढस बताया, मैं बेटे बैठ जा पानी पी, मैं कहा घबरा मत, मैं मुझे ये भी ध्यान नहीं है कि मेरी बिटिया ने गेट बंद किया या नहीं किया जी। मैं चली गई, मैंने वहाँ पूछा उससे, मैंने लड़के से, मुझे गेट पर खड़ा मिला और उससे कहा मैंने तू इस तरह क्यों परेशान कर रहा है, बोला मैं तो जानता भी नहीं इस तरह, उसने मुझे बहकाला। फिर मैंने उसके बाप से कहा, उसके बाप ने उसे डांटा, उन्होंने मान लिया कि हाँ मेरी गलती है। उसके बाप ने बोल दिया था कि मैं इसे समझा लूँगा। मैं घर आ गई, फिर मैंने रात को इसके पापा से बताया, लड़की ने भी बताया जो जो बात हुई थी। इसके पापा ने वो फ़ोन ले लिया मेरे हाथ से कि ला चल अच्छा किया तो फ़ोन ना देखा ही कि मैं देखूँगा अब क्या करेगा वो फ़ोन पे। उन्होंने फ़ोन 1 बजे किया, अब इसके पापा ने रिसीव किया, बोले हम सुबह को तुझसे बात करेंगे आके। फिर हम सुबह सवेरा उसके पापा, मैं, अम्मा, चाचा, हम गए, हमने 2-4 लोगों को इकट्ठा किया मोहल्ले के कि हम पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे कि हम रात भी समझा के गए इस बच्चे को फिर भी नहीं मान रहा। तो उन्होंने ये कह के बोल दिया कि हमारे परिवार में मौत हुई है, हम दुखी हैं वैसे ही, आप पुलिस में केस दायर मत करो और हम इसे समझा लेंगे। हम घर आ गए थे, उसके बाद हमारे दोनों लड़की के पापा और चाचा दुकान पे चले गए, हम तीनों थे। तो शुरू में गजराज सैनी और राजवंश बागड़ी हमारे घर में घुसे और मेरी बिटिया से बदतमीजी करने लगे, बैठक में बैठ के मतलब उल्टी सीधी बातें करने लगे आपके घर आकर जी, कि मैं ऐसा लड़का हूँ 12-12 हज़ार एक आधे आधे घंटे में उड़ा देता हूँ, रात मेरठ की पार्टी थी मेरी पर्सनल, 12 हज़ार रुपये उड़ा कर आया, 4 लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ी थी, ठोकर मार आया, तेरे जैसी लड़की को तो पल भर में कुचल दूँ, यूँ करके बता रहा आपके सामने बोले गए जी। मैंने कहा भी कि तुम्हारा आदमी को बुला ले, आने दे, हम उनसे बात करने, कह रहा आदमी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुमसे ही बात करेंगे जो भी करेंगे। फिर उसने रोहित को बुला लिया कि रोहित जल्दी इनके घर पर, रोहित आ गया। उसके बाद उसने बेल्ट निकाल ली और मैंने जैसे हमने उसकी बेल्ट बाया हाथ पकड़ लिया, अम्मा ने उसके दाहिने हाथ से बेल्ट एकदम से खींची तो उसने मेरे कोहनी मार दी, यहाँ पर लगी और मैं तो गिर गई। मैंने बिटिया को बोला तू चली जा यहाँ से, उसकी अम्मा भी गिर गई, हम दोनों उठ नहीं पाए। इतने में उसने हमारा बैठक का गेट बंद कर दिया और उसकी चाची ऊपर गई हुई थी छत पर, इधर थी नहीं वो नीचे, बस से चिल्लाने की आवाज़ आई, हमसे पहले उसकी चाची उतर आई, उसने कहा सूची जल गई, सूची जल गई। बस हमें इतना सुनाई दिया था जब हम गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे जी। कि वह हो जाएगी जी मैम, प्रशासन कहने का अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी बड़े दुख के साथ आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी बेटी आज भी सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। मैं इन भाभी जी से मैं मिली हूँ और इनसे मुझे बड़ा दुख है कि इनकी इतनी बुरी परिस्थिति है और हम लोग अभी तक हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से सीधी गुहार लगाती हूँ कि हमारी बेटी को न्याय दिलाएं और जो भी उनसे बन पड़ता है, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं प्रधानमंत्री जी से, अपने योगी जी से, कि हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और ये लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। बेटियां हमारी आज भी सुरक्षित नहीं है, ये बताइए कि क्या कानून इस चीज़ के लिए बना है। आज़ादी की हम बात करते हैं, आज़ादी में रहने के बाद भी इस तरीके के लड़के और बहुत से मीडिया वाले भी गलत अफवाह फैला रहे हैं कि उस बेटी ने अपने आप ही जली है वो बेटी। लेकिन आज माता जी ने हमारे को बताया, सारी कहानी हमें सुनाई है, बड़े दुख के साथ ये कहा जाता है कि बहुत से मीडिया वाले गलत अफवाहें ना फैलाएं, अगर वो साथ नहीं दे सकते हैं तो उस बेटी का गलत अफवाह ना फैलाएं कि उसने खुद आत्महत्या करने की कोशिश करी थी और जो उसके साथ घर में घुस के उसको बेटी को जला के गए वो लोग सब खुले घूम रहे हैं, सारे अपराधी खुले घूम रहे हैं। माता जी के बयान को आप लोग देखिए, सारे मीडिया, मैं आप सबसे मीडिया वालों से, आपसे भी हाथ जोड़ के कहती हूँ कि इस वीडियो को आप पूरे में वायरल करिए और नहीं 5
पांच जो गिरफ्तार हो चुके हैं, जो भी एक मेन होगा उसमें से, वो खुला घूम रहा, आप उसको भी पकड़ने की कोशिश करिए। और एक सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए कि अपराधी जो भी अपना, जितने भी लड़के हैं, भाई हैं, जो भी हैं, सब उस चीज़ को, लड़कियों को अपनी माता और अपनी बहनों की नज़रों से देखें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है और शासन से हमारी ये गुहार लगती है कि आप सहायता करें हमारी, इनका, इनके परिवार का, जो भी बेटी है परिवार का, की सहायता करें, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इनको फाइनेंशली सपोर्ट करा जाए, क्योंकि इतना सरकारी नौकरी दें घर में किसी भाई को, पापा को, या और पीएचडी हैं, माता जी भी पीएचडी हैं, किसी ऑफिस में भी लग सकती हैं, और बेटी के खर्चा भी उठाएं। बेटी तो उनकी अब जैसे भी है, बेटी, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बेटी अपना ठीक हो जाए। एक भावुक पल आप देख सकते हैं, भावुक होकर आरती जी खुद भावुक हो चुकी हैं। और मैं आपको, सभी तमाम मीडिया वालों से मैं कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, जो भी गलत अफवाह फैला रहे हैं, गलत खबर दिखा रहे हैं, क्योंकि जो माता जी के स्टेटमेंट हैं और माता जी ने जो भी अपने बयान दिए हैं, आप उनकी बात सुनिए, खुद जो गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो ना दिखाएँ। हम इस चीज़ की अपील करते हैं, सेवन न्यूज़ चीज़ की निंदा करता है जो गलत दिखा रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को बंद करिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चीज़ को ना दिखाइए, सच्चाई दिखाइए, क्योंकि आज पीड़ित परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में है, भावुक हैं सभी चीज़ को लेकर। आप देख सकते हैं सामने एक एनजीओ की टीम यहाँ पर आई हुई है, और आरती जी इस बात की कड़ी निंदा करती हैं और सरकारी नौकरी की गुहार लगाती हैं प्रधानमंत्री जी से कि सरकारी नौकरी मिले और कड़ी से सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और चेक देते हुए आरती जी, छोटी जी आप देख सकते हैं चेक देते हुए आरती अग्रवाल जी। जी बस छोटा सा हमारी तरफ से, हम हाथ जोड़ के कहते हैं आपके लिए, छोटी सी सहायता है, हमसे जो बन पड़ेगा आप हमसे संपर्क करें और हम आगे भी आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम और हर बच्ची के साथ हैं, जो बच्ची, छोटा बच्चा हो, बच्ची हो, कोई अनाथ हो, कोई भी हो, हम सबके साथ हैं।